Today's Current Affairs Decoded session, myself Shivaji Kale, is going to talk about 20th April. Here in the first news, they are talking about India's expenditure for the defense purpose. ठीक है, तो basically एक Stockholm International Peace Research Institution करके एक institution है, वो हर साल ये सर्वे करता है, ठीक है, कि कौन सा कंट्री किस चीज के लिए पर्टिकुलरली डिफेंस में कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उनका जो रिपोर्ट है, दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट इज नोन एज ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है, ये आपको रिपोर्ट्स इंडेक्सेस, ये जो चीजें यूपीएससी हमेशा पूछती है, उसमें आपको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एनालिसिस के तौर पे देखते हैं. देखो, पर्टिकुलरली अगर आपको देखा जाएगा तो ये जो सिप्री ने जो रिसेंटली स्टडी किया है, उसमें उन्होंने देखा है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस इज बीइंग डन बाय द यूएसए. ठीक है, देखो 732 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा करती है. उसके बाद में नंबर आता है देखो चाइना का, विच इज एक्चुअली स्पेंडिंग अबाउट से 261 बिलियन. ठीक है, तो 1/3 के आसपास पकड़ लो, लिटिल 1/3 के पास में जाएगा यूएसए के. ठीक है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर करता है, विच इज अबाउट 71 बिलियन. तो वो चाइना से हम लोग कह सकते हैं कि अबाउट 1/3 है. ठीक है, उसके बाद में देखो आता है कौन, रशिया आता है एंड सऊदी अरेबिया आता है. तो ये पांच कंट्री भैया याद रखना पर्टिकुलरली. ठीक है, और अगर आप देखोगे तो पहले तीन जो है, दैट इज यूएसए, चाइना एंड इंडिया, ये तीनों में भी बहुत स्टार्क डिफरेंस है. ठीक है, इंडिया के तीन गुना ज्यादा चाइना खर्चा कर रहा है, चाइना से तीन गुना ज्यादा, मतलब अबाउट 10 times इंडिया से ज्यादा यूएसए स्पेंडिंग ऑन इट्स डिफेंस रिलेटेड थिंग्स. ठीक है, लेकिन दो तीन चीजें इसमें और आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली टू और इंडिया. अगर आप देखोगे तो लास्ट 30 पीरियड्स, मतलब 1990 के बाद 2020 तक, इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है वो अबाउट 2.5 times इंक्रीज हुआ है. ठीक है, ये देखना थोड़ा सा. और अगर आप देखोगे तो लास्ट जो पीरियड है उसमें अगर आप देखोगे तो 37% 40% के आसपास ये लास्ट 10 सालों में इंक्रीज हुआ है. लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस का, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्पस पेंशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है. ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो पेंशन इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपांडिंग द इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज, है कि नहीं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा है डिफेंस के रिलेटेड, या आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं बढ़ रहा है, रिसर्च नहीं हो रहा है. पेंशन इज जस्ट मनी दैट इज गिवन टू द एक्स सर्विसमैन. ठीक है, तो अगर उसको निकाल देंगे तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल बहुत कम पैसा, मतलब अबाउट 3.3 लाख करोड़ रुपीज हम लोग इसके ऊपर खर्च करते हैं. ठीक है, अगर हम लोग पूरा अगर पैसा लेते थे 71 बिलियन का, तो इट इज अबाउट 2.4% ऑफ द जीडीपी. ठीक है, तो 2.5 पकड़ लो कैलकुलेशन के लिए. तो अगर पेंशन का पैसा निकाल देंगे तो 1.5% तक ही होता है. तो 1% मनी ऑफ द जीडीपी इज अबाउट जाता है पेंशन के लिए. ठीक है, तो इसके लिए होमवर्क के लिए एक चीज आप देखना, वन रैंक वन पेंशन. क्या नाम है इसका, वन रैंक वन पेंशन. ये एक्चुअली एक आप बोल सकते हो कि रिसेंट के टाइम्स में ये डिस्कशन चल रहा था, 2-4 साल पहले ये बहुत ज्यादा चर्चा में था. उसमें ऐसा कहा गया है कि जो पर्सन जिस रैंक पे क्या कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है सर्विस से. ठीक है, पर्टिकुलरली शॉर्ट सर्विस कमीशन से बहुत ज्यादा लोग डिस्चार्ज होते हैं बहुत यंग एज में, तो उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए वो हर रैंक के हिसाब से सबको सेम होनी चाहिए. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो लोग बहुत सालों पहले रिटायर हो चुके हैं बहुत सीनियर पोजिशन पे, ठीक है, कर्नल है कोई, ब्रिगेडियर बन के रिटायर हो गया, उनका जो पेंशन है बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड विथ देयर बेसिक सैलरी, तो उस टाइम पे सैलरी बहुत कम था बहुत सालों पहले. तो आज की डेट में एक जूनियर ऑफिसर की पेंशन इज इक्वल टू अ वेरी सीनियर ऑफिसर का पेंशन. तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है निकालने के लिए वन रैंक वन पेंशन के बारे में डिस्कशन चल रहा था. ये होमवर्क में थोड़ा सा आप देख लेना इसके बारे में चर्चा क्या क्या थी पुराने टाइम में. ठीक है, ओके, आगे जाते हैं. देखो आगे एक बढ़िया सा आर्टिकल आया है इकोनॉमिक्स के लिए. इसमें देखो क्या बता रहे वो लोग, आरबीआई ने नाउ दे हैव ओपन द लिक्विडिटी विंडो फॉर द म्यूचुअल फंड्स.
ठीक है, 50,000 करोड़ रुपीज क्या करेंगी आरबीआई, पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड की जो बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ठीक है, उनके लिए वो पर्टिकुलरली वो 50,000 करोड़ का फंड जो है वो एलोकेट करके रखेगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे भैया स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड, ये टेक्निकल नाम थोड़ा सा आप याद रख लेना। और ये सब क्यों हो रहा है, तो अगर आपको याद होगा तो 25 अप्रैल की न्यूज़पेपर के एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो फ्रैंकलिन टेम्पटेशन नाम का कंपनी है, मतलब म्यूचुअल फंड जो है, ठीक है, उसमें से 6 स्कीम्स उन्होंने खुद के बंद करने वाले थे वो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द थिंग दैट वो जो क्रेडिट रिस्क फंड था, जो म्यूचुअल फंड थे उनके, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए थे। तो बेसिक हम लोगों ने तब भी देखा था, थोड़ा सा पटकन एकदम इमिजिएटली रिवाइज कर देते। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हु कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, मतलब हम आपके अगर हम लोगों इंटरेस्टेड है सिक्योरिटीज एक्सचेंज में पैसा लगाने के लिए स्टॉक मार्केट में, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा एक आधा ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं जो इस हमारे सारे लोगों के पैसे इकट्ठा करके, इसीलिए तो म्यूचुअल बोला जा रहा है ना, और उस म्यूचुअल फंड को सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दे ऑन अवर बिहाफ, ठीक है। तो यही डेफिनेशन देखो यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप है भैया, देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेफ म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड है जिसमें दोनों का सामना होता है, और ये डेफ्ट म्यूचुअल फंड है ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया है, इसके वजह से पूरा म्यूचुअल फंड का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो थोड़ा सा रिस्क में है। तो उसको निकालने के लिए अभी क्या कर दिया, आरबीआई ने एक लिक्विडिटी विंडो ओपन कर दिया है, उसमें क्या कर दिया उन्होंने, जो बैंक्स है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स है, उनको उन्होंने बोला है कि 50,000 करोड़ रुपीज वी विल रिलीज फॉर यू थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लेकिन वॉट एवर मनी फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज इफ वी हैव रिलीज्ड, ये पैसा आप सिर्फ और सिर्फ जो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको ही आप लोन देने के लिए यूज कर सकते हो। तो मतलब इनडायरेक्टली आरबीआई इज आस्किंग कमर्शियल बैंक्स टू गिव मनी टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ऐसे आरबीआई हमेशा करते आ रहे हैं, देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपने सुना होगा, है कि नहीं, एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशनल लोन, इसके लिए वो कंपलसरी करते हैं। तो सिमिलर टाइप का चीज है, आपके ध्यान में रहने के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। आगे जाते हैं देखो न्यूज में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आया देखो रिसेंटली, जो हमारा ICMR है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने बंद कर दिया जो हम लोग रैपिड टेस्ट को यूज कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो एक पिछले लेक्चर में किया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन से है, तो उसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, एक एंटीबॉडी टेस्ट, मतलब जो एंटीजींस को टेस्ट करता है वो, एंड ये जो वाला है जिसमें RCPT PCR नाम का एक टेस्ट है, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है एक्चुअली वायरस का स्ट्रेन चेक करता है, और एंटीबॉडी वाला टेस्ट है उसमें क्या होता है एक्चुअली वो अगर किस पर्सन को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो दैट पर्सन बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम विल जनरेट सम प्रोटीन्स विच आर एंटीबॉडीज, ठीक है, तो एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं, अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड, ठीक है। लेकिन क्यों, मतलब नाम इसको क्या दिया है, दिया गया है देखो रैपिड टेस्ट, तो रैपिड टेस्ट क्यों, तो बेसिकली ये PCR जो टेस्ट है इसको, इसके लिए 8 से 9 घंटे लगते हैं एक टेस्ट रिजल्ट आने में, ठीक है, और अभी की पर्टिकुलर पीरियड में व्हेन द नंबर ऑफ टेस्ट आर इंक्रीजिंग, अभी एक्चुअली देखोगे तो इंडिया के पॉपुलेशन के अनुसार तो बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन लिमिटेशन है, लैब्स का लिमिटेशन है, टेस्ट किट्स का लिमिटेशन है, तो इसके लिए एक रैपिड टेस्ट करने की जरूरत है, तो उसके लिए ये एंटीबॉडी वाला जो टेस्ट था, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट टेक्निकल नाम है देखो इसका, ये उन्होंने ढूंढ निकाला था, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोगों ने चाइना से टेस्ट किट मंगवाए थे लेकिन उसका रिलायबिलिटी बहुत कम है क्योंकि उसके रिजल्ट्स वेरी हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, अगर आपका टेस्ट रिजल्ट गलत हो गया तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन हम लोग जब ये सीरियोलॉजिकल टेस्ट हम लोग यूज कर रहे थे तो पर्टिकुलरली इंडिया में तो केरला ने शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है, बाद में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इन लोगों ने भी ये मॉडल यूज किया था
क्योंकि जो साउथ कोरिया में ये मॉडल उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया था, ठीक है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोगों ने जो रिसेंटली चाइना से किट मंगवाए थे वो वाले किट, हम लोगों ने उनको बोला है कि वी विल नॉट पे यू दिस पर्टिकुलर मनी फॉर दिस पर्टिकुलर किट, और ये टेस्ट किट भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक बेसिक चीजें साइंस की इसके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि क्या टेस्ट करते हैं, तो प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। ब्लड में दो चीजें होती है, उन्होंने बोला है प्लाज्मा एक होता है, ब्लड कंपोनेंट एक होते हैं ब्लड सेल्स के। तो उसके बाद में जो होता है उसको सीरम बोलते हैं, तो सीरम किसको बोलते हैं, जो एक्चुअली सीरोलॉजिकल टेस्ट में यूज किया जाता है। तो यूपीएससी हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग इनटू द बेसिक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो आपको रैपिड टेस्ट पे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, फिर भी वो आपको उसकी बायोलॉजी में जाके ये सीरम या बॉडी सेल्स या फिर ये जो प्लाज्मा, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या एंटीबॉडी, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना के पूछेंगे। तो ये हो जाएगा भैया इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और ऐसे संख्या है बहुत ज्यादा है क्वेश्चन यूपीएससी पूछने की, तो हम लोग इसकी तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। आगे जाते हैं, देखो ये एक बढ़िया सा आर्टिकल आया है, देखो इसको ठीक ठीक से समझ लेना, क्योंकि इसके ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, आज का आंसर राइटिंग चैलेंज का क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, यूएन वार्न्स ऑफ ह्यूमन राइट्स डिजास्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तो क्या हो रहा है एक्चुअली, अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या कर दिया है, मतलब जो गवर्नमेंट है या जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पॉलिटी बोलेंगे, उन्होंने क्या कर दिया है, लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। यस, इट इज इन टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अवर कंट्री, ठीक है, एंड इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। डिफरेंट लेवल के लॉकडाउन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में उन्होंने जारी किए, लेकिन ये जो पावर, इमरजेंसी वाला पावर गवर्नमेंट ने खुद को लिया है, इसका गवर्नमेंट कैसे इस्तेमाल करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर डिस्कशन के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वापस इस आर्टिकल को देखेंगे। देखो क्या है आज का क्वेश्चन, पढ़ लेना, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, और क्या करना है, इसको आंसर लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। क्या है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, देखो यूनिक डिस्कशन यूपीएससी, ठीक है। तो इसको बढ़िया सा आंसर लिखो भैया, और इसको डालो ये वाले टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अभी हम लोग समझ गए कि आपने आंसर लिखा होगा, तो आंसर आप इवेल्युएट कर लेना, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिखा है पहले ठीक ठीक से समझ लेते हैं। स्टेट्स हैव अथॉरिटी टू रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, ठीक है। क्या बोला है, देखो स्टेट हैव अथॉरिटी टू रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, बट सच रिस्ट्रिक्शंस शुड बी नेसेसरी प्रोपोर्शनल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट करने को बोला है, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, ठीक है। एक्सप्लेन करो भैया, एग्जाम्पल देके बताओ, कमेंट करो उसके ऊपर, एग्जाम्पल दो, केस स्टडीज बताओ, ऐसे कर रहे हैं वो, ठीक है। तो देखो सिंपल है भैया, ये क्वेश्चन आएगा आपको दो तरह के में आ सकते हैं, जीएस टू में, पॉलिटी में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। देखते हैं, देखो क्या बोला इसमें आपको, तो पर्टिकुलरली अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट के ऊपर जंप मत करना, ठीक है, क्योंकि क्या है, सब जगह पे आंसर लिखने के लिए पॉलिटी का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो लोग डायरेक्टली फंडामेंटल राइट पे जंप करेंगे। हम लोग थोड़ा सा और बेसिक में उसको खींचेंगे क्या, क्योंकि उसमें उन्होंने कहीं भी नहीं बोला कि फंडामेंटल राइट, उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया। तो पैसे पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो पहले सबसे हमको इम्पोर्टेंट चीज है कि फंडामेंटल राइट के पहले भी एक चीज होती है, वो है ह्यूमन राइट, ठीक है। नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट, ये थोड़ा दो तीन चीज है, इसको थोड़ा समझ लेना। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, फर्क कर लेना। तो नेचुरल राइट तो देखो भैया, नेचुरली जो हम लोगों को मिलते हैं दैट इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, राइट टू सर्वाइवल, ठीक है। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बींग, वी बिलोंग टू ह्यूमन स्पीसीज, वी शुड हैव सम राइट्स, ठीक है, लाइक राइट टू डिग्निटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, तो सम ऑफ द राइट्स
which are codified that by that particular government, okay, into their law books, and hence are legally protected, are considered as a fundamental right. So it's a part of actually, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि natural rights बड़ा होता है, उसमें human rights होते हैं, ठीक है, उसमें से fundamental right होते हैं. तो आपको समझने के लिए, तो answer में भैया थोड़ा सा पीछे जाके explain करेंगे कि every person has certain rights to rights by virtue of being an human being, ठीक है, when we codified it, ठीक है, they are understood as human rights. पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन की HRC जो ह्यूमन राइट काउंसिल ने उसको लिखा है. अगर हम लोग नेशनल या लोकल लेवल पे देखते हैं तो उसको हम लोग फंडामेंटल राइट बोलेंगे, ठीक है. अभी दो तीन एग्जांपल देखे, ये ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे. तो उन्होंने क्या बोला है, देखो कि स्टेट को है अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट करने का सिटीजन्स का या जो रेसिडेंट्स है उनका राइट, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डालिए. तो यही लिखना है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है. ये वर्ड आपके आंसर में आना ही चाहिए और इसको आपने अंडरलाइन किया होना चाहिए. और एग्जांपल देके बता देखो, जैसे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, उसमें पार्ट 3 तो बना दिया उन्होंने फंडामेंटल राइट, ठीक है, जिसमें कुछ राइट्स दिए. देखिए राइट कौन सा दिया है, देखो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन रिसेंट की टाइम में ये हेल्थ एपिडेमिक आने के बाद, लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बाद, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी तो बंद कर दिया है कि नहीं. उसका पर्पस भी है टू स्टॉप द मिस इन्फॉर्मेशन. अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो पर्टिकुलरली देखो, यू कैनॉट सेंड फॉरवर्ड एनी मैसेज रिलेटेड टू कोविड बिकॉज दे बिलीव दैट एवरीबडी डू नॉट हैव अ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. क्योंकि आप बोल सकते हो कि लीगलाइज अपडेट भी नहीं है, है कि नहीं. तो आप ऐसा वाला मैसेज नहीं भेज सकते कि हमारे पास वाले घर में एक बंदा है जिसको कोरोना वायरस हो गया एंड उसका कंडीशन ऐसे, ये मैसेज भेजना आपके लिए लीगली इज नॉट अलाउड. तो क्या इट इज कमिंग अगेंस्ट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? एक्चुअली इट इज कमिंग, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट There will be no misinformation. ठीक है, तो ये हो गया भैया reasonable restriction. But ये reasonable restriction आपको कोई भी dissent रोकने करने से नहीं रोक सकता. If you have some grievances against some particular authority, तो आप उसको legal तरीके से डाल सकते हो. या फिर you have a voice to demand also. For example, देखो government ने बोल दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना निकाल दी, या पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर देयर ओन स्कीम, और उन्होंने बोला कि भैया आपको फ्री फूड मिलेगा. और अगर मुझे नहीं मिल रहा है, आई बिलोंग टू अ वेरी वल्नरेबल सेक्शन, माइग्रेंट हूँ मैं एंड आई एम स्टक इन से सम अनदर स्टेट, तो उन्होंने मुझे क्वारंटाइन नहीं, आइसोलेशन फैसिलिटी में डाल दिया है कहीं पे भी, ठीक है, और उन्होंने मुझे इंश्योर किया है कि भैया आप यहाँ से मत जाओ, आपको यहाँ पे खाने पीने की सुविधा की जाएगी, और मुझे नहीं मिल रहा है, तो आई हैव अ वॉइस टू डिमांड बिकॉज इट्स माय राइट, ठीक है. पर अगर ये मैं डिमांड कर रहा हूँ और मुझे आके पुलिस दंडा मार रही है, तो दैट इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो ह्यूमन राइट भी वो नहीं है, ठीक है. और दो तीन एग्जाम्पल देंगे, देखो ये तो एक दे दिया यहाँ पे आपने, और बताओ देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो ये देखो पर्टिकुलरली लिखेंगे इनकेस कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो सम ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट वन ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी इज बीइंग टारगेटेड, ठीक है, और व्हेनेवर पर्टिकुलर प्रिविलेज इज हैपेंड और पर्टिकुलर से प्रोविजन ऑफ पर्टिकुलर स्कीम इज बीइंग प्रोवाइडेड, वल्नरेबल सेक्शंस आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, और उनको लास्ट मिल रहा है, तो क्या ये कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल है उनको ये इक्वल राइट नहीं दिया जा रहा है? अगर नहीं दिया जा रहा है तो इट इज नॉट, जहाँ पे देखो तो क्या ये इट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है. एक एक चीज को बता रहे, देखो क्या ये नेसेसरी है, पहली चीज का एग्जाम्पल दिया एक का यहाँ पे, ठीक है, दूसरे का यहाँ पे दिया, ऐसा हर एक का एक एक एग्जाम्पल देके उनको बताएंगे. अभी देखो क्या बोल रहे हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में आंसर में लिखो, ठीक है. तो फ्रीडम ऑब्वियसली लॉकडाउन कर लिया, घर में सब अटक गए, ठीक है, नहीं अभी आदत है हर रोज घूमने की, इधर उधर जाने की, ऑफिस के लिए जाने की, क्लास के लिए जाने की, खेलने के लिए जाने की, दोस्तों को मिलने के लिए जाने का, कर दिया लॉकडाउन आपको, तो आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे तो असर होगा ना भैया. तो बट इट इज नेसेसरी फॉर द
not spreading of this particular virus. But ये जो restriction on the movement लाया है, अगर ये आपको essential services करने से रोकता है, for example, आपको खाना लाना जाना है, ठीक है, groceries लानी जानी है, आपको दवाई लानी जानी है, ठीक है, आपके घर में कोई बीमार है, some pregnant lady who want to go to hospital, ठीक है, तो उस particular case में आप उनको नहीं रोक सकते. तो ये आप इसके बारे में माइग्रेंट का इशू लेके इसको पर्टिकुलरली इवेल्युएट करेंगे, है कि नहीं. फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री दिस इशू इज हैपनिंग, ऑल द माइग्रेंट्स आर डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट शुड लेट देम गो टू देयर होम प्लेसेस बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर दे विल बी मोर से, ठीक है. तो ये आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है. और एक क्या लिखोगे, राइट टू प्राइवेसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी एक बार देखा था कि ये आरोग्य सेतु नाम का नया ऐप गवर्नमेंट बोल रहा है भैया डाउनलोड कर लो, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और देखेगा कि आप किसी, अगर आप नॉन इन्फेक्टेड पर्सन हो तो क्या आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ गए हो कि नहीं, और अगर आप आ गए हो या आप इन्फेक्टेड पर्सन हो तो आपका इन्फॉर्मेशन सेंट्रल डेटा बेस पे जाएगा और वहां से अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. बट ये कर लिया उन्होंने, स्टेट ने कर लिया अपनी मर्जी से, ये रिसेंट टाइम में जरूरी भी है कि नहीं, लेकिन इसको आप प्रोपोर्शनल रख रहे हो क्या? देखो, प्रोपोर्शनल रख रहे हो क्या? ये प्रोपोर्शनल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आप एक्सेसिव इंफॉर्मेशन स्टेट को मिल जाता है या स्टेट एक्सेसिव लेवल पे जो मिली हुई इंफॉर्मेशन है उसका एनालिसिस करता है, जैसे कि आपको पर्टिकुलरली आपका लोकेशन ट्रैकिंग कर रहा है या कंटिन्यूसली आपको सर्वे कर रहा है, सर्वेलेंस हो रहा है आपका, तो इट इज अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ एनी इंडिविजुअल, विच इज अकॉर्डिंग टू द पुट्टास्वामी केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, ठीक है. तो भैया देखो, ये फोर्थ वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, है कि नहीं. तो ऐसे एक एक एग्जांपल मैंने दे दिया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लॉक तो होना चाहिए, लेकिन कितना पीरियड के लिए होना चाहिए दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है. तो भैया आंसर लिखा करो, आंसर भेजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है इस पे आंसर भेजिए, यहाँ पे मैं आपको चेक करवा के दूंगा, ठीक है. पीयर टू पीयर रिव्यू भी करेंगे इस पे, और सारे बहुत सारे एमसीक्यूज भी डाला करते हैं हम लोग, तो वो भी आपको सॉल्व करने के लिए मदद हो जाएंगी, ठीक है. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे, ठीक है. बाकी चीजें आपको ये वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी, सिक्वेंस है, बाकी पिछले वाले भी लेक्चर इस पे डाले हैं, लिंक्स डाली है यूट्यूब वाली, और बहुत सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स की यहाँ पे उपलब्ध करके दी जाने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है. नो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स सेशन. माई सेल्फ शिवाजी काळे साइनिंग ऑफ, थैंक यू. Subscribe to Shivaji Kale Current Affairs YouTube channel and hit the bell icon to get the latest updates.